नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप न्यूज। आज एक खास बातचीत के जरिए हमारे साथ हैं आचार्य वेंकटेश कुमार शर्मा, जो कि अपनी राजनीति छात्र जीवन से ही शुरुआत की थी और छात्र जीवन से लेकर अभी तक की राजनीति में वो भाजपा के साथ जुड़े रहे। हाँ, कुछ दिनों के लिए भाजपा से अनबन हुई और लोजपा में गए, लेकिन जहाँ भी रहें इनकी सक्रिय राजनीति किसी से छुपी हुई नहीं है। आज पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा समर्पित कैंडिडेट के रूप में आपके सामने हैं। खास बातचीत के जरिए जानेंगे इनकी योजना क्या है और इनके बारे में भी विस्तृत जानकारी जानेंगे। तो आचार्य जी, सबसे पहले हमारे एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और हम सर जानेंगे कि पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा समर्पित उम्मीदवार के रूप में आप खड़े हुए हैं, आपकी हॉबी क्या है उसके बारे में दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो एसडीएफ न्यूज के तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और आपके माध्यम से ये बातें जहां तक जाएगी उन तमाम लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं, क्योंकि मैं अपने जीवन की जब पहली दहलीज रखी सामाजिक जीवन में छात्र राजनीति से, तो मेरे मन में सबसे पहले जो भाव आया समाज सेवा का भाव आया। समाज सेवा में मानवीय संसाधन का विकास किस रूप में किया जाए, मानवीय संसाधन का विकास किस रूप में किया जाए, क्योंकि मानव संसाधन का विकास जब तक नहीं हो पाएगा तब तक सामाजिक जो परिदृश्य है, चाहे वो अपराध का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, इन तमाम सवालों को एक पहलू में देखने का जो सोच है वो सामाजिक संसाधन है और वो मानव संसाधन से जुड़कर ही संभव हो सकता है। इसलिए हमारी जो सर्वप्रथम सोच रही कि मानव संसाधन का विकास किया जाए, क्योंकि छात्र राजनीति से जुड़ना और छात्रों के बीच काम करने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो आए दिन जो छात्रों की सबसे बड़ी समस्या होती थी, पठन पाठन की समस्या होती थी या विद्यालय और महाविद्यालय में जो शैक्षणिक जो माहौल नहीं बन पा रहे थे, उन माहौलों के लिए लगातार प्रयत्न करना हमारी प्राथमिकता होती थी और वो प्राथमिकताएं धीरे धीरे बढ़ती चली गई और उसका परिणाम ये सामने आया कि आज हम आपके सामने हैं। सवाल यह उठता है, मैं कोई राजनीति में सक्रियता के रूप में कार्य करना पसंद नहीं करता था, लेकिन जब कई प्रकार के झंझावातों से मुझे जूझना पड़ा तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे सक्रिय राजनीति में आना चाहिए और बाद में मुझे चुनावी राजनीति में भी धीरे धीरे करके प्रवेश करना पड़ा, जिसका परिणाम हुआ कि मैं पिछली बार 2006 में सक्रियता के साथ हम चुनाव की तैयारी किए पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के। उस समय हम जनता दल यूनाइटेड में हम थे और जनता दल यूनाइटेड के हम प्रदेश के महासचिव हुआ करते थे और प्रदेश महासचिव और पटना विश्वविद्यालय के सीनेट के हम सदस्य हुआ करते थे और उन परिस्थितियों में हमने चुनाव की तैयारी शुरू की, लेकिन परिणाम ऐसा आया कि बीच में ही अंतिम क्षण जब चुनाव के नॉमिनेशन का जब आया तो मुझे चुनाव से वंचित होना पड़ा। सारी तैयारी करने के बाद, इवन कि हमने तमाम मतदाता बनाने का काम किया, मतदाता बनने के लिए जागरूकता का काम किया, अवेयरनेस फैलाया, क्योंकि पहले इतने मतदाता नहीं बनते थे। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जब 2002 में पहली बार मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ मतदान करने का, और उस समय 20-25 हज़ार मतदाता हुआ करते थे स्नातकों में,
और 4,045 जिनको मत आ जाता था वो विजय प्रत्याशी हो जाते थे। लेकिन 2007 में जब हमने मतदाता बनाने का काम प्रारंभ किया तो उस समय करीब 75,000 मतदाता बने, तो मेरे द्वारा ही नहीं बने, मेरे जागरूकता का परिणाम हुआ, और भी प्रत्याशी उस समय थे, उन तमाम प्रत्याशियों का भी उसमें सहयोग रहा और लोगों में उत्साह भी दिखा पहली बार। और धीरे धीरे आज पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 1,18,000 मतदाता हैं एट प्रेजेंट, इस बार 2020 में जो चुनाव होना था। लेकिन 2014 में जब चुनाव हुआ था तो उस समय 1,11,000 मतदाता थे, जो लोगों के नज़र में एक बड़ी संख्या मानी जाती थी। लेकिन मैं इन संख्याओं को नहीं मानता हूँ, मैं तो मानता हूँ कि संख्याएँ बहुत कम है, क्योंकि पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का जो बनावट है वो पटना, नालंदा और नवादा तीन जिलों से होकर आता है। आप समझ सकते हैं कि पटना बिहार की राजधानी है और पूरे प्रदेश के लोग यहाँ, शिक्षित वर्ग के लोग रहते हैं, और जिनका संख्या मैं मानता हूँ कि 3,00,000 से 4,00,000 हो सकता है। फिर नालंदा और नवादा की भी संख्याओं को देखा जा सकता है, तो मैं मानता हूँ कि 5-7 लाख मतदाता से कम इस क्षेत्र में नहीं होने चाहिए, क्योंकि मतदाताओं को अवेयरनेस नहीं पैदा किया जाता है, जिसके कारण सक्रियता के अभाव के कारण मतदाता नहीं बन पाते हैं। इसके लिए हमने कई प्रकार के सरकारी, गैर सरकारी न्यायालय के शरण में जाकर भी हमने बातों को रखने का काम किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि पहली बार पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र या बिहार में जो भी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव होने वाला है, उसमें ऑनलाइन मतदाता बनने का कार्य प्रारंभ हुआ, जो पूरे भारतवर्ष में पहला यह मानक के रूप में स्थापित हुआ। और शायद हम समझते हैं कि इस बीच में किसी राज्य में चुनाव नहीं हुआ है, और जब भी होगा तो बिहार में पहली बार ही होगा इस मापदंड के आधार पर। तो ऑनलाइन मतदाता बनने के कारण मतदाताओं में थोड़ी रुझान ज़्यादा बढ़ी, और हम चाहते हैं कि और मतदाताओं की संख्या बढ़े। इसके लगातार हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात या घूम घूम कर लोगों के बीच में जाकर जागरूकता पैदा करने का काम करते हैं। यानी एक तरह से इनका जो हॉबी है वो है जन सेवा। जैसा कि इन्होंने बताया कि पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से इतनी संख्या मतदाताओं की नहीं थी, लेकिन इनका प्रयास ही है कि आज लगभग 1,00,000 से ऊपर यहाँ मतदाता जुड़ गए हैं, और इसके लिए ये इस संख्या को भी बहुत कम मानते हैं, और भी संख्या होने की ज़रूरत है। चूँकि पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में पटना, नालंदा और नवादा तीन जिला आते हैं, तो ये इनकी मुख्य रूप से अगर हॉबी बोले तो जनसेवा। और इसमें और अधिक से अधिक मतदाता कैसे जुड़े, ऑनलाइन से जुड़े, इन सारे चीज़ों के लिए इन्होंने व्यवस्थाएं की लड़ाई लड़ी, एक बहुत बड़ी बात है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे सर, हम अगर आप विजयी होते हैं, मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं, तो आपकी योजना जनसाधारण के लिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या होगी? देखिए, सर्वप्रथम स्नातक चुनाव लड़ने के पीछे जो हमारा उद्देश्य रहा है, क्योंकि विधान परिषद में एकमात्र ये कोटा का सीट है जहाँ बेरोजगारों के लिए, शिक्षित बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए एक ऐसा सोच पैदा किया गया जिस सोच के मातहत यह चुनाव कराई जाती है। सवाल यह उठता है कि विधान परिषद का गठन जब से हुआ और विधान परिषद में जितने संकाय हैं, विधानसभा के द्वारा जो विधायक चुने जाते हैं उनके माध्यम से जो मतदाता वो होते हैं और मत देकर वो विधान परिषद में अपने सदस्यों को चुनते हैं, तो सबसे पहले तो हमारी प्राथमिकता होगी कि उन मतों का चिरहरण नहीं हो,
क्योंकि आए दिन जब जब चुनाव होता है तो पुनः मूल्यांकन होता है। मैं इसको इस रूप में डिफाइन करना चाहता हूँ कि विधायक का सेवा काल 5 वर्ष का होता है, जो राज्य स्तरीय जो चुनाव होते हैं राज्यपाल के द्वारा, उनका एक सेवा शर्त होता है कि भाई उनके क्षेत्र से चुने जाते हैं, कोई शिक्षा के क्षेत्र से चुने जाते हैं, कोई कला के क्षेत्र से चुने जाते हैं, उनका भी अपना सेवा शर्त है। शिक्षक का भी एक सेवा शर्त है कि शिक्षकों की सेवा शर्त 60 साल 61 साल 62 साल, उसमें वो रिटायर हो जाते हैं और फिर वो शिक्षक का मूल्यांकन नहीं हो पाता है। लेकिन स्नातकों के साथ ऐसी बात नहीं है। स्नातक जब पहली बार जब वो स्नातक की डिग्री लेते हैं तो प्रारंभिक से अंत तक वो स्नातक की ही डिग्रीधारी होते हैं। तो प्रति चुनाव के प्रतिवर्ष जब चुनाव का वर्ष आता है तो उस दृष्टिकोण से प्रतिवर्ष उनका मूल्यांकन किया जाता है। खास करके जो प्रतिनिधि चुनाव लड़ने आते हैं वो नए नए स्नातकों की खोज करते हैं और अपने मातहत लोगों को उसमें नामांकन कराते हैं। अगर मुझे मौका मिला कि भाई मैं उस पद के योग्य, जनता ने अगर मुझे समझा और एक मौका अगर मुझे दिया, तो सबसे बड़ी जो इसमें काम करने की जो ज़रूरत है, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, गुणवत्ता युक्त शिक्षण माहौल पैदा कराना, लोगों में आत्मविश्वास पैदा करना, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई व्यक्ति अपने आप को अगर इस रूप में चाहता है कि मुझे जीवन में कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उनको एक ऐसा मॉडल बने, ऐसा एक सिस्टम बने जिस सिस्टम पर जाने के बाद उनको यह महसूस हो कि मैं कहीं ठगा महसूस नहीं कर रहा हूँ। और जो प्रतिनिधि आज तक चुनकर आए हैं उन्होंने ठकने का काम किया। मैं पूरे बिहार के प्रतिनिधि, स्नातक प्रतिनिधियों को इस बात से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर प्रतिनिधि अगर ठगते नहीं तो स्नातक चुनाव का महत्व लोगों को समझ में आ जाता। आज के नौजवानों को ये पता भी नहीं है। मैं कई बार जाता हूँ चुनाव प्रचार के दृष्टिकोण से लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, तो लोग पूछते हैं कि ये कौन सा वोटर आप बना रहे हैं, कौन सा वोटर बनने की बात आप कह रहे हैं। तो मैं बताता हूँ उनको कि भाई आप स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, आप मतदाता बन सकते हैं, आप वोट देने का आपको अधिकार है। तो बोला कि हम लोग तो ग्रेजुएट तो कब्बे से हो गए, लेकिन हम लोगों को तो पता ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है, इस दौर में अगर हमारे स्नातकों को ये बात की जानकारी नहीं है कि हमारा अधिकार क्या है और हम जिस प्रतिनिधि को चुन रहे हैं वो प्रतिनिधि जीत कर जाएंगे तो क्या करेंगे, सवाल तो बड़ा है। और इन सवालों को सुलझाना मेरी सबसे बड़ी मकसद है। बहुत अच्छी बात कि स्नातक होने के बाद आपकी एक जिम्मेदारी हो जाती है समाज के प्रति और उनको आत्मनिर्भर बनाना। प्रधानमंत्री का भी नारा है कि पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाना है, उसी को लेकर इनका संकल्प भी है कि जो स्नातक युवा हैं उनको यह जानकारी हो कि वो एक वोटर हैं और उनका उद्देश्य क्लियर हो अपने जीवन में। क्योंकि प्रधानमंत्री एक अच्छे टेक्नोक्रेट की तरह तकनीकी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं और ये जैसा कि आप भी पिछले सवाल में आपने बताया कि उनका उद्देश्य क्लियर हो स्नातक होने के बाद वो क्या करें, तो आप सर इसको लेके आपकी योजना क्या होगी तकनीकी शिक्षा से वैसे लोगों को क्या आप करना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम बिहार के बच्चे प्रदेश से बाहर जाकर शिक्षण के कार्य को करते हैं। सवाल यह उठता है कि बिहार में शैक्षणिक माहौल नहीं होने के कारण, बिहार में टेक्निकल यूनिवर्सिटी नहीं होने के कारण, बिहार में टेक्निकल माहौल नहीं होने के कारण हमारे बच्चे नागपुर, बंगलौर,
दिल्ली, नोएडा, तमाम जगहों पर जाते हैं और हजारों हजार करोड़ रुपया हमारे प्रदेश के पैसे बाहर के प्रदेशों में जा रहे हैं। तो सबसे पहला तो हमारा उद्देश्य होगा कि हमारे बच्चे अपने प्रदेश में जो उनको शैक्षणिक माहौल बाहर में मिल रहे हैं उन माहौलों में उनको किस रूप में लाया जाए ताकि उनका भरोसा बिहार के प्रति हो, उनको बिहारी होने का भाव स्पष्ट हो। आज हमारे राज्य में जितनी भी उपभोग करने वाली वस्तु है, चाहे वो चाइना के बाज़ारों से आती है या दिल्ली के बाज़ारों से आती है या बम्बई के बाज़ारों से आती है, हमारे लोग, हमारे श्रमिक यहाँ से जाकर वहाँ काम करते हैं और उनकी उत्पादकता के आधार पर हम यहाँ उपभोक्ता के रूप में अपने जीवन को जीते हैं। सवाल है हमारे यहाँ क्या स्किल नहीं है? क्या हमारे एजुकेशन को, हमारे स्किल को, हमारे गुणवत्ता को यहाँ सराहा नहीं जाता है, जिसका परिणाम है कि हम बाहर की तरफ पलायन करते हैं। तो हमारी प्राथमिकता इस रूप में होनी चाहिए कि इस पलायन को किस तरह से रोका जाए, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन के मामले में हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट के मामले में हो। आज आपके पास किसी चीज़ के निर्माण के लिए अगर आपके पास स्किल होगा तभी तो आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये भरोसा पहले पैदा करना होगा, ये हमारी पहली प्राथमिकता के रूप में यह भी शामिल है। बहुत सुंदर बात, जनता की गाढ़ी कमाई दूसरे प्रदेशों में चली जाती है जिस पर तकनीकी शिक्षा को लेकर इनका बल रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहो थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है खास बातचीत में। हमारे साथ हैं आचार्य वेंकटेश कुमार शर्मा। आप, हम अपनी बात जारी करते हैं आगे भी। सर, अन्य उम्मीदवारों के बीच आपकी स्थिति, बहुत सारे उम्मीदवार हैं, तो आपकी स्थिति कैसी है? देखिए, सर्वप्रथम हम जब चुनाव की तैयारी में जब लगते हैं तो हम चुनाव जीत और हार के लिए नहीं लगते हैं। हम अपनी बातों को उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो इस चुनाव को नहीं समझ पाए हैं, और उनके अंदर कैसे अवेयरनेस पैदा हो, ये हमारा प्राथमिक सोच रहता है। सवाल है, चुनाव है तो चुनाव मैदान में सबों को लड़ने का अधिकार है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जो प्रतिनिधि चुनाव के मैदान में होते हैं उनकी अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन तय तो मतदाता के हाथ में है कि वो मतदाता किस रूप में किसको समझते हैं, किस रूप में उनको मत देने का है। क्योंकि स्नातक चुनाव की जो परिपाटी रही है उस परिपाटी में मत देने का अधिकार वरीयता के क्रम में है। तो वरीयता के क्रम में जब मतदाता को मत देने का अधिकार है तो सवाल उठता है कि किसमें कितनी क्षमता है, किसमें कितनी योग्यता है, मतदाता किस रूप में किसका अवलोकन कर रहे हैं,
उनके सोच में कौन फिट बैठ रहा है, कौन अनफिट बैठ रहा है, क्योंकि जनता सर्वोपरि है, मतदाता सर्वोपरि है, और उनके मतों के आधार पर ही विजय तिलक लगता है, जो हमारा चुनाव की जो परिपाटी रही है। तो इस रूप में मैं कैसे कह सकता हूँ कि हमारी क्या स्थिति होगी और हमारा क्या विषय बनेगा। पिछले बार जब हम लड़े थे और उसके पिछले बार जब हम तैयारी किए थे तो लोगों में बड़ा उत्साह था, लोगों ने बहुत एक साधारण आदमी को भी इतना तरजीह दिया, लेकिन किसी कारणवश सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग ही मानिए कि वरीयता के क्रम में मतों की जब गिनती हुई तो उसमें हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन वर्तमान में जो उस हमारे कंटेस्टेंट थे उनको विजय मिला और मुझे सेकेंड नंबर पर हमको रखा गया। लेकिन मैं कभी इस रूप में काम नहीं किया कि मैं सेकेंड हूँ या मैं फर्स्ट हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य सेवा भाव है। मुझे जीत मिले या मुझे हार मिले, दोनों में मुझे खुशी ही मिलती है, इसलिए उस भाव को लेकर हम नहीं जीते हैं। सेवा एक शक्ति है, उस शक्ति की सेवा हम करते हैं और उसमें स्वार्थ भी मेरा नहीं है। बाबा महादेव जाने। बहुत सुंदर बात, जनता ही सर्वोपरि है और जनता की सेवा करना इनका कर्म है, बाकी जनता के हाथ में है, जनता ही जानेगी क्या होगा। सर, आपका जीवन काफ़ी संघर्षशील रहा, छात्र जीवन से ही आप राजनीति में सक्रिय रहे और बाद के जीवन में भी आप काफ़ी संघर्ष करते रहे, उठा पटक, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, लेकिन जहाँ भी रहे आप सक्रिय रहे, जनता के बीच रहे, जनता की सेवा के लिए लगे। ये आपके नाम के पीछे आचार्य जो लगा, इसकी उपाधि कब हुई और इसकी शुरुआत कैसे हुई हमारे जनता को? देखिए, जब हम विद्यार्थी जीवन में जब प्रारंभिक जब हम इंटर करने के लिए जब पटना आए थे तो उस समय हमारी जो अभिरुचि थी, क्योंकि ये एक विषय है और ये विषय हमारे पुराने जितने मित्र साथी हैं वो इन चीज़ों को जानते हैं कि बचपन से ही हमें ज्योतिष के प्रति बड़ा लगाव था। ज्योतिष क्योंकि हमारे जो परदादा थे स्वर्गीय सियाराम शर्मा, वो एक वेदांती थे, वेदों के बड़े ज्ञाता थे, जबकि उनके बाद हमारे दूसरे जनरेशन और तीसरे जनरेशन में कोई ऐसा नहीं निकल पाया। मैं तो चौथे जनरेशन का व्यक्ति हूँ, लेकिन उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। यह सौभाग्य का विषय है कि हमारे परदादा के गोदी में, मैंने हमारे जो परदादा थे उनके गोदी में मुझे खेलने का सुअवसर प्राप्त हुआ, और उनका जो जीवन शैली था, सनातन संस्कृति के प्रति उनके मन में जो भाव था, पता नहीं वो कब मुझे इसके चपेट में मुझे ले लिया और धीरे धीरे करके मेरा मन मिजाज मेरा भाव उसी रूप में बढ़ने लगा। लेकिन एक द्वंद्व था मेरे जीवन में, एक बड़ा द्वंद्व था। मेरी माता चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरी माता चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं यहाँ आया था डॉक्टर ही बनने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि हमारे परिवार में हमारे पिताजी छोटे थे और हमारे दादाजी ने हमारे पिताजी के बड़े भाई, उनको एक जवाबदेही उन्होंने दिया था, ये बड़ा मार्मिक विषय है, कि वेंकटेश का एडमिशन पटना में होगा। दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि मैं पटना विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए जब मैं आवेदन किया बीएन कॉलेज में, तो नामांकन में हमारी जो सूची होती है, जो प्रकाशन की जो सूची थी, उसमें मेरा नाम आ गया, लेकिन कम्युनिकेशन का अभाव हो जाने के कारण हमारी जानकारी तक बातें नहीं पहुंच पाई, जिसके चलते हम यहाँ बहुत लेट से पहुँचे और जिसके कारण एडमिशन क्लोज हो गया। तो मुझे एन कॉलेज में मुझे नामांकन लेना पड़ा और वहीं से जीवन एक बदलाव के रास्ते पर चल दिया। एन कॉलेज में जाना, और समझ सकते हैं कि जब बीएन कॉलेज एडमिशन क्लोज हो गया तो एन कॉलेज भी क्लोज हो जाने की स्थिति रहेगी,
तो वहाँ आनन फानन में हमने एडमिशन लिया और हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हमको लेना था। बायोलॉजी में जगह नहीं रहने के कारण मुझे मैथमेटिक्स लेना पड़ा और वहीं से मेरी ज़िंदगी बदलती चली गई और बदलते बदलते और इसी रहस्यों को मैं ढूंढने के कारण ज्योतिष की तरफ मेरी रुचि बढ़ती चली गई। फिर बाद में हम साइंस कॉलेज से एमएससी किए और उसके बाद हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने नामांकन के लिए गए थे। मुझे ज्योतिष पढ़ने का बड़ा शौक जग चुका था और उन दिनों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जब हम गए, क्योंकि मेरा संस्कृत बैकग्राउंड नहीं था, इसके चलते हमको वहाँ से लौटना पड़ा। और उसके बाद हमको दरभंगा विश्वविद्यालय में, क्योंकि 3 वर्ष का वो पाठ्यक्रम शास्त्री का था, तो 3 वर्ष के पाठ्यक्रम में मुझे जगह तो मिल रहा था, लेकिन सवाल था 3 वर्ष का समय वहाँ रह कर मुझे बिताना पड़ता। तो इतनी समय हम वहाँ देने की स्थिति में नहीं थे, तो हम दरभंगा विश्वविद्यालय से जो कामेश्वर सिंह संस्कृत महाविद्यालय से हमने डिग्री ली शास्त्री की, और फिर बाद में हम बनारस जाकर हम आचार्य की वहाँ से डिग्री ली। बनारस में जाने के कारण और बनारस रहने के कारण और काशी में बाबा विश्वनाथ की नगरी के रूप में हमें जो वहाँ से जो ज्ञान मिला, वहाँ गुरुजनों का जो आशीर्वाद मिला, मेरा मन वहीं रम गया। और ये रमना अपने आप में बड़ा एक विडम्बना बना और वो विडम्बना आज मुझे वहाँ फिर खींच कर लेकर चली गई। हमने बाद में वहाँ जाकर एक वैदिक विश्वविद्यालय की नींव रखी और वहाँ एक काशी वेद वेदांग विद्यापीठ करके हमने एक संस्था का निर्माण किया। आज हमारे यहाँ 111 बच्चे पढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं संस्कृत के माध्यम से संस्कार, सामाजिक संस्कार में कैसे वृद्धि हो, और इसमें भी एक रोज़गार की बड़ी संभावना है। आज जो लोग अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्न मानते थे, उनकी संपन्नता आज विपन्नता में बदल गई है, ये बड़ी बात है। कोई व्यक्ति दावे के साथ नहीं कह सकता है कि मैं आर्थिक रूप से आज भी संपन्न हूँ। मैं अपने जीवन को जीने के लिए हमारे पास सारे संसाधन संपन्नता के साथ हैं, वह भी कहीं ना कहीं हाथ फैलाया जा रहा है। चारों तरफ हाहाकार का दौर है। ये सारी बातें उस रूप में हम करते रहे हैं और आचार्य मेरे लिए कोई बड़ा विषय नहीं है। लोग मुझे मैं तो चर्चा भी नहीं करता हूँ आचार्य हूँ या कुछ हूँ। इधर जब मैं बनारस ज़्यादा रहने लगा और ख़ास करके विद्यापीठ के कामों को लेकर थोड़ा सा चर्चा में जब बात आई, तो लोगों ने कहा कि वेंकटेश जी अब आचार्य हो गए हैं, वेंकटेश जी अब आचार्य हो गए हैं। कई लोगों ने मजाक के रूप में भी इसको लिया है, कई लोगों ने इसको श्रद्धा के रूप में भी लिया है, कई लोगों ने एक भावनाओं के साथ जुड़ना भी प्रारंभ किया है, कई लोगों ने कहा कि मैं तो आपको जानता नहीं था इस रूप में। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपके जीवन में हैं लेकिन लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि विवाद ही संवाद है और संवाद ही विवाद है। तो संवाद और विवाद का तो रिश्ता रहता ही है, और क्योंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ तो विवाद का तो साया लगा ही रहेगा, तो उसी रूप में है। बहुत सुंदर, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप विजयी हों। हमारी एसटीएफ टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर विजयी होंगे। और हमारे जो स्नातक क्षेत्र के युवा हैं, वह आपकी सोच, आपके समझ को समझेंगे और आपको विजयी बनाएंगे। खास मुलाकात थी, हर मुद्दों पे बातचीत हुई, बेबाकी से अपनी बात रखे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसडीएफ न्यूज। नमस्कार।